हेलो सभी को नमस्कार मेरा नाम अशोक रूपनेर है और जो हमारे इंग्लिश भाषी लोग हैं उनके लिए बोलता हूँ गुड मॉर्निंग टुडे वी आर डूइंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड फॉर यू एंड दिस इज डेडिकेटेड फॉर द दिवाली फेस्टिवल दिवाली ऐसा त्यौहार होता है कि सभी बच्चे सभी लोगों को बहुत उसमें मज़ा आ जाता है और ख़ास करके बच्चे जब लैंटन बनाते हैं अपने हाथ से आकाश कंदील बनाते हैं तो उनको बहुत बहुत मजा आ जाता है तो आज हम खाली लैंटन नहीं बनाएंगे तो उसके पीछे ज्योमेट्री क्या छुपी है थोड़ी सा ज्योमेट्री बिहाइंड इट वो भी सीखेंगे लैंटन तो बनाएंगे लेकिन उसके पीछे जो ज्योमेट्री है वो हम खास करके आज जानेंगे तो टूरे तो टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग Uh, क्या है ज्योमेट्री विथ दिवाली लैंटर्न ना आपको जैसा हर बार मैं बोलता हूं मैं आईसर पुणे से आपके साथ बात कर रहा हूं तो लेट मी शो यू द बिल्डिंग ऑफ द आईसर पुणे सो दिस इज द बिल्डिंग ऑफ द आईसर पुणे और आज हमने ऐसी तस्वीर आपके सामने लाई है फेस्टिवल ऑफ लाइट है दिवाली का सीजन है तो नाइट में या थोड़ा शाम को हमारा सेंटर या हमारा इंस्टीट्यूट कैसा दिखता है उसके बारे में ये फोटोग्राफ है और एक नेक्स्ट एक मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ वो मैं आपको बार बार दिखाता हूँ व्हाट इज अ कोर्ट द आई सर पुने फर टमारो साइंस बिगीन्स टूडे ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट है हमारे लिए और हमारे साइंस कम्युनिटी के लिए क्योंकि कल का अच्छा साइंस की शुरुआत हम आज कर रहे हैं अभी कर रहे हैं सो दैट कोर्ट रिप्रेजेंट मतलब कल का रहा नहीं देखना आज uh, शुरू करना है हमें ना लेट मी शो यू वन मोर पिक्चर तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हमारा साइंस एक्टिविटी सेंटर श्रीमती इंद्राणी बालन साइंस एक्टिविटी सेंटर यहाँ हमेशा लॉकडाउन के पहले हमेशा बच्चों का भीड़ रहता था बच्चे टीचर्स बूढ़े सभी जितने जो लोग हैं साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले सभी यहाँ आते थे अभी यही भीड़ लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन पे है पहला ऑफलाइन था अभी ऑनलाइन पे इतनी भीड़ है और मैं आपको आओ दो एक तस्वीरें दिखाता हूं उसमें देखिए बच्चों के चेहरे में जो स्पार्क है आंख देखिए उसके मतलब साइंस का डेमोस्ट्रेशन हो मैथमेटिक्स का डेमोस्ट्रेशन हो, हो उनको कोई वो कोई जानना चाहते हो तो उसके आंख में स्पार्क दे, देखो मतलब यही फोटो हमें दिखाता है कि बच्चे कितने इंटरेस्ट लेते हैं इफ दे लाइक द एक्टिविटीज उसके मतलब साइंस ऐसा होता है कि उसके पीछे क्या हिस्ट्री है आ, ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है यदि उनको रीजन पता चलता है तो उसकी आंख में मतलब बिल्कुल चमक आ जाती है एंड दैट द फोटोग्राफ शोज फोटोग्राफगी बच्चों की आंख की चमक हुँ. और और एक मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं उसमें देखिए नॉट ओनली जस्ट बच्चे टीचर्स एक टीचर का हमारा वर्कशॉप है हर टीचर हर बच्चे यहाँ जो आते हैं ना तीन तीन घंटे जगह नहीं छोड़ते जब हम टीचर का वर्कशॉप लेते हैं कि आठ घंटे मतलब टीचर को ऐसा लगता है कि अरे आठ घंटे हमने क्या सीखा मतलब बाहर खाना खाने के लिए टॉयलेट के लिए वो टाइम नहीं उनको लगता है कि वोट वेस्टिंग ऑफ द टाइम आठ घंटे या टीचर बैठते हैं तीन तीन चार चार घंटे बच्चे या कंटिन्यू बैठते हैं बिकॉज दे लाइक दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी तो मैं थोड़ा आउटरीच के बारे में आपके साथ बात किया अभी हम आज के टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे एंड टूडेज टॉपिक इज दिवाली लैंटन बनाएंगे और उसके पीछे ज्योमेट्री जो है वो शुरू करेंगे अभी देखिए ये एक मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं इससे एक शुरुआत करेंगे देखिए कि ये आज हम बनाएंगे ये क्या है दिवाली लैंटन है लेकिन ज्योमेट्री देखो ये टेट्राहाइड्रॉन था ये क्यूब है देखिए और उसके पीछे जो ज्योमेट्री है बाद में हम ये ऑक्टेहाइड्रॉन है आप जरा एंगल देखो उसके फेसेज देखो कितने हैं क्या है वो ध्यान में रखो और एक है ये अलग सेफ है डोडे का बोलते हैं उसे, डोडे का हेडरन और ये जो है ना सबसे बेहतर है आइकोसा बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है और ये क्या सेफ बोलते हैं और अंत में आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लैम दिखाएंगे हैप्पी दिवाली या हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर ऐसे मैसेज भी आप उसके ऊपर लिख सकते हैं यह भी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाना है और उसके पीछे साइंस क्या है मैथमेटिक्स क्या है ज्योमेट्री क्या छुपी है आ, तो लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड और देखिए जब ज्योमेट्री की शुरुआत होती है चाहे कौन सा भी बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड हो सीबीएसई हो इंटरनेशनल बोर्ड हो सभी में हमें यह सीखना होता है कि वह पॉइंट क्या होता है लाइन क्या होती है प्लेन क्या होता है थ्री डी सेप्स क्या होते हैं तो पॉइंट का मीनिंग क्या है कि इट्स नॉट हैव एनी लेंथ, और साइज मतलब खाली एक डॉट है थोड़ा सा हम दब्बा नहीं बोलेंगे उसको लेकिन एक डॉट बोलेंगे इट हैज अ पोजिशन मतलब कौन सा पोजिशन दिखाने के लिए हम वो पॉइंट नॉर्मली रखते हैं और दूसरा ये जो मल्टीपल पॉइंट हम ये क्या के दूसरा दूसरा क्या के तीसरा इसे मल्टीपल पॉइंट रखेंगे दैट्स बिकम अ लाइन का डेफिनेशन क्या होता है पॉइंट को तो कुछ डायमेंशन नहीं है लेकिन लाइन इज अ वन डिमेंशनल फिगर होती है उसे थिकनेस भी नहीं है लेकिन एक डिरेक्शन में मतलब खाली लेंथ है उसको। हाँ, और नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं कि लाइन यदि वो तो दोनों भी डिरेक्शन में एंडलेस है बहुत दूर दूर तक जाने वाली और उसमें से हम छोटा सा सेगमेंट यदि लेंगे, लेंगे तो पता चलेगा दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ द मल्टीपल पॉइंट या डॉट्स लेकिन वो एक लाइन में में होना चाहिए कर्व कर्व भी हो सकते हैं लेकिन उसे लाइन बोलते हैं लेकिन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइन अभी थोड़ा सा हम टू वही इमेज आपको दिखाता हूं एरिया क्या होता है देखिए आपको लंबाई तो पता चली लेकिन एरिया क्या होता है यदि लेंथ हो और उसको ब्रेड हो तो उसमें जो होता है वो 2d शेप होता है 2 डिमेंशनल शेप होता है लेंथ इनटू ब्रेड और उनको और एक हमने डाइमेंशन लगा दिया तो उसे बोलते हैं 3d शेप लेंथ होता है ब्रेड होता है हाइट होता है नहीं तो डेप्थ बोलो हाँ, तो ये 3 डिमेंशनल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना हां उसे उसके साथ आज हम ज्योमेट्री करने वाले हैं और वही उसे उसके ही साथ हम लंटन बनाने वाले हैं चलो हम नेक्स्ट जाएंगे अभी सो दीज आर द बेसिक थिंग कि डॉट क्या होता है मतलब पॉइंट क्या होता है लाइन क्या होती है हा? उसके बाद एरिया क्या होता है एंड अल्टीमेटली वॉल्यूम या थ्री डी सेप क्या होता है ये हमें आज आपको ये स्लाइड से पता चला और अभी इसका ही इस्तेमाल करके वी आर मेकिंग लॉट ऑफ फनी इंटरेस्टिंग सेप्स चलो नेक्स्ट जाएंगे हम अभी नेक्स्ट में देखिए एक मैं, मैं कौन सा भी ऐसा लेता हूं? मैंने का एंगल कितना होता है? आपको पता चलता है कि उसके ऊपर इंटू टू पार्ट्स तो मतलब उसके कितने भाग बन गए तीन लेकिन ये एक भाग 90 का दूसरा जो है ना 90 डिग्री का और जो तीसरा जो है 180 लेकिन टोटल देखा तो वो कितने हो सकते हैं नो मैटर आपने कितने लाइंस ड्रॉ किए हैं, जस्ट ड्राइंग मल्टीपल आर सेवरल लाइंस तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं यदि कितने ही आपने लाइन ड्रॉ किए लेकिन सभी के बीच में जो एंगल है वॉट इज दैट दैट शुड बी थ्री डिग्री तो 360 डिग्री का मतलब आपको पता चला कि कितने भी लाइन आने दो 360 समझ लो कि मेरा एंगल है। लेकिन ये ये पूरा ऐसा टर्न लेता है सो दट बिकम यूर वन थ्री सिक्सटी डिग्री मतलब पूरा एक टर्न देखिए ऐसा पूरा टर्न दैट इज यूर 360 सिक्सटी डिग्री हो जाएगा तो ये आपको मैं बताना चाहता था कि ये डॉट से पास होने वाली कितनी भी लाइन होने दो सभी का जो एंगल होता है इफ यू मेजर इट दैट इज ऑलवेज 360 डिग्री अभी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे आज बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे एक्टिविटी भी होगी पोल्स भी होंगे और ये पोल क्वेश्चन शायद तुम्हारे स्क्रीन पे भी आ सकता है मोबाइल पे यदि कुछ लोग टीवी में देख रहे हैं कुछ कंप्यूटर में देख रहे हैं लैपटॉप में देख रहे थे आप पढ़ भी सकते हैं द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन ट्रायंगल अभी मेरे हाथ में ये 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 जो 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 समझ लो कि कि ट्रायंगल है मैं आपको बताता बेसिक क्वेश्चन well, सभी की एडिशन यदि मैंने ड्रॉ किया तो आपको पता चलेगा कितना होता है ट्रायंगल के बारे में चार्ट आई एम गिविंग यू ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन थ्री सिक्सटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री थर्ड ऑप्शन इज वन एटी डिग्री फोर्थ ऑप्शन इज नाइंटी डिग्री आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है इस कभी का एडिशन कितना है एंड आई एम लुकिंग ऑन द चार्ट एक्चुअली सो देर आर सो मेनी आंसर आर कमिंग बट आई वॉन्ट करेक्ट आंसर ना इफ यू नॉट राइट प्लीज राइट इन द चार्ट व्हाट इज द एडिशन ऑफ द इंटरनल एंगल इन देंगल मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो so कितना है थ्री सिक्सटी टू सेवेंटी वन एटी नाइनटी डिग्री वेरी सिंपल क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन ओके फॉर यू अभी देखिए मैं उसका आंसर आपने बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है लेकिन लेट मी शो यू लेट मी शो यू कि उसका आंसर सही क्या है ऑन द स्क्रीन द आंसर कम। मतलब मैं ट्रायंगल लेता हूं तो देखिए नो मैटर तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है आइसोसिलस है कुछ भी होने दो लेकिन तुम्हारा जो इसका जो एडिशन तीनों को होगा ना इज ऑलवेज 180 डिग्री ये मैं आपको बताना चाहता था और बहुत लोगों ने बहुत बच्चों ने टीचर ने आ, सही आंसर दिया नाउ आई एम शोइंग यू द अदर एक्टिविटी और अदर एक्टिविटी जो है ना सो देस सो यह आज जो है ना ये बेसिक एंगल क्या होती है लाइन क्या होती है ये हमें पहले से

अभी स्क्वेर में भी वही किया है पेंटागॉन में भी वही किया है में भी वही किया है और ऑक्टागोन में भी वही किया है और सर्कल में भी मैंने मतलब में भी वही किया है और इससे हम ज्योमेट्री भी हमें पता चलेगा और उसका गार्लैंड अल्टीमेटली कैसा बनेगा बनेंगे ये भी पता चलेगा अभी आपको पता चला कि वो टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल है तो उससे एक हिस्सा लिया मैंने तो थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री हो आपके पास धागा हो तो लगा दो विध हेल्प ऑफ द एनी काइंड ऑफ द ब्लू अभी आपको चिपकाना है थोड़ा सा उसे सूखने को टाइम देना है अभी सभी बन उसकी पेरीफेरी होता है ना जैसे हम पेरीमीटर मेजर करते हैं ना वही जगह पे आपको कलरफुल थ्रेड लगाना है और थोड़ा सा सूखने देना और बाद में जो लाइंस है जो सेंटर को आके मिलती है वो आपको काटना है से काटो लेकिन थ्रेड नहीं काटना दो थ्रेड से बीच में जो जगह है ना वहां से आपको काटना है और काट के देखिए दिस इज वेरी वेरी नाइस एक्चुअली गार्लैंड भी बनेगा लेकिन एंगल का देखो जहां मैंने 120 डिग्री लिखा है अभी ये शेप में ऐसा एंगल है अभी नेक्स्ट शेप में क्या होगा ये आपको मुझे बताना है पहले तो ये पूरा होने दो देखिए अभी तीनों भी लाइंस मैंने काट दिए हैं और तीनों के जो एंगल यदि मैं आपको दिखाता हूं तो वो बिल्कुल 120 डिग्री के एंगल है तीनों भी एंड दिस इज योर वेरी वेरी नाइस एक्चुअली बन गया और वो जो है यदि आप उसका पजल जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसा फ्रेम बना दो कार्डबोर्ड का और उसमें तीन पीसेस आपको फिट करना है एंड यू हैव टू मेक सेंट्रल 360 डिग्री एंगल तो उसका बहुत अच्छा पजल भी हो सकता है देखिए मैंने हम हमको ए, लेकिन आपको मुझे जो बोलना है ना ये बना के रखा था आपके लिए लेकिन ये जो देखिए इसमें जो आपको ये एंगल जो लिखा है ना ये अभी नेक्स्ट में क्या होगा इसके ऊपर आपको ध्यान देना है बट दिस इज वेरी वेरी नाइस एक्चुअली विथ हेल्प ऑफ द ट्रेंगल हमने काट दिया है अभी ट्रैंगल के बाद हम दूसरा शेप लेंगे और अभी थ्री साइडेड पॉलीगॉन ना आपने देखा हुआ. That is triangle. अभी एक हमने बढ़ा दी, तो एंगल तो क्या, क्या होगा वो हम अभी सोचेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में अभी यहां देखिए वही हमारा हमने स्क्वे लिया है तो 360 डिवाइडेड बाय 4 तो एक एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का बन गया है? तो ये तो आपको पता चला पहला 120 था अभी ये 90 बन गया अभी आपको सभी लाइनें एक काटना है ध्यान से काटो बिल्कुल लाइन पे आपको काटना है और एंड तक काटना है खाली थ्रेड नहीं काटना ऊल नहीं काटना बिल्कुल ऊल नहीं काटना ऐसा काटना है कि अभी उसका बहुत अच्छा एक माला या गार्लैंड बन जाएगा अभी देखिए बहुत अच्छा लेकिन नीचे जो शेप है वो देखो थोड़ा भी कैसा एंगल कम हो गए तो कैसा दिखता है तो 90 डिग्री है हर सेप जो नीचे जो बना है ना दैट इज एक्चुअली 90 डिग्री अभी आप ये बता दो पेंटागॉन का क्या होगा मैं बाद में क्वेश्चन आपको पूछूंगा लेकिन पेंटागॉन में ये जैसा आपने स्क्वेर में देखा ये सेप ऐसा बन से मतलब यहां जो आ गया एंगल ये एंगल पेंटागॉन में कम होगा या ज्यादा होगा अब यह स्क्वेयर में तो आपने देखा तो आपको क्वेश्चन है ओपन क्वेश्चन अभी दिस इज नॉट अ पोल क्वेश्चन बट दिस इज ओपन क्वेश्चन पेंटागॉन में ये एंगल 90 से कम होगा या बढ़ेगा यू जस्ट राइट लेस और मोर इन मैं देख रहा हूं यहां 90 डिग्री तो आपको यहां लिखा है लेकिन ये एंगल पेंटागॉन में 90 से बढ़ेगा यू कैन राइट इंक्रीज कम होगा यू कैन राइट डिक्रीज और मोर और लेस लिखा तो भी चलेगा क्योंकि आपको लिखने में इजी हो जाएगा hmm. तो मैं अभी देख रहा हूं यहां कुछ तो वाऊ बोल रहे हैं कम होगा यहाँ लिखा है किसी ने कम लिखा है और आपको पेंटागॉन काट के दिखाता हूं लेकिन उससे ही पहले एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोल दिया था ना कि देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन अभी ये एंगल जो है अभी मेरे हाथ में देखिए ये मेरा पेंटागॉन है देखिए ये मेरा पेंटागॉन है ये डायगोन में आपको क्या करना है ये एंगल अभी मैं ये ऐसा पकड़ के रखता हूं मतलब यह एंगल, 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 एंगल यह एंगल यह एंगल यह एंगल ये सभी एडिशन कितना है ये सभी का एंगल जो सभी एंगल है पेंटागॉन में यहां के देखिए वर्टिसेस में जो बन रहे हैं ना ये ये एंगल कितना है पेंटागॉन में द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन अ पेंटागॉन इज डैश डैश आपको वहां लिखना है चार्ट में ये 360 डिग्री बी फाइव फोर्टी डिग्री C 720 डिग्री एंड D 900 हंड्रेड डिग्री अभी मैं देख रहा हूं या पेंटागॉन में ये टोटल इसके एडिशन कितनी हो सकती है ये आपको बताना है फाइव एंगल्स की पहले तो आपको ये क्या होगा ये पता करना पड़ेगा मल्टीप्लाई फाइव तो उसे आपको पता चलेगा देखिए कुछ आंसर आ रहे हैं सेवन ट्वेंटी देख रहा हूं 360 मैं देख रहा हूं लेस लेस uh, ऐसे यहाँ सभी की जो एडिशन है वो मैं यहाँ देखना चाहता हूं किसी ने फाइव फोर्टी भी लिखा है वेरी नाइस वेरी नाइस नाइन हंड्रेड भी लिखा है तो अभी मैं सभी यहाँ एडिशन देख रहा हूं आपके बहुत अच्छे चार्ट्स में आपके जो आंसर आ रहे हैं चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बताता हूं यहाँ मैंने लिख कर रखा है यदि एक एंगल डिग्री का का है तो पाँच का क्या होगा ये तो हंड्रेड हंड्रेड पांच सौ तो हो गए बराबर है और आठ आठ ऐड किया पांच टाइम तो चालीस हो गए तो दिस इज आंसर एक्चुअली बी और ये आंसर विल बी कम ऑन द स्क्रीन अभी ये आंसर मैं आपको देख रहा दिखा रहा हूं स्क्रीन पे यदि आपने ऐड किया होगा तो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है और रियल आंसर अब स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है सो सो एडिशन ऑफ द द ऑल एंगल्स इन तो ये ये होता है 100 ओ, 540, ये आपको पता चला so, मतलब देखिए उसके पीछे पेंटेगॉन है लेकिन एंगल कहां छिपे होते हैं लाइन क्या होता है दिस इज योर रेगुलर पेंटेगॉन लेकिन यदि आपने एंगल तो फाइव बना दिए लेकिन लेंथ अलग अलग है समझ लो कि साइड की तो क्या होगा वो भी पेंटागन होगा लेकिन वो रेगुलर नहीं होगा रेगुलर में वही होगा फाइव फोर्टी डिग्री ना लेट्स मी शो यू अनदर एक्टिविटी हम सर अभी देखिए मैं आपको काट के दिखाता ये उसका कैसा बनेगा हम्म और अभी ये जो एंगल आएगा तो आपको पता चलेगा देखिए कितना है वो 360 डिवाइडेड बाय 5 तो 72 डिग्री ही आएगा लेकिन अभी जो कोने पे पे जो एंगल हो रहे हैं ना वो बता दो अभी कितना हो सकता है थोड़ा गेस करो कि ऊपर के एंगल कितने हैं दोनों एंड में जो है के वो एंगल कितने हो सकते हैं यू हैव टू कैलकुलेट इट तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं यदि आपको यह पता चला कि यह तुम्हारा हंड्रेड एंड एट है तो उसके क्या हो जाएंगे दो हिस्से हो जाएंगे बेसिकली या दो हिस्से बन जाएंगे तो कितना होगा दैट इज एक्चुअली एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हंड्रेड एंड एट मतलब फिफ्टी फोर ही हो जाएगा डिग्री सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यू कैन डू हेल्प ऑफ द देंटेगॉन ना लेट मी शो यू यून एक्टिविटी सपोज इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन हमने अभी एक इंक्रीज किया एंड दैट इज योर हेक्जेगॉन तो हेक्गॉन में क्या होगा मिडल में एंगल कितना आ जाएगा एक एंगल में थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय सिक्स तो अल्टीमेटली सिक्सटी आ जाएगा अभी देखिए इसका कितना अच्छा गार्लैंड बन जाता है वेरी नाइस एक्चुअली और वो एंगल कम कम होता जा रहा है हमने 120 डिग्री से शुरुआत किया था ट्रायंगल में अभी हम एग्जाम में 60 डिग्री पे आधे में पहुंच गए ये तो आपको पता चला ना कि

फोर्टी तो फाइव डिग्री हो गया तुम्हारा अभी देखिए एंगल कितना कम हो गया काटो अभी बिल्कुल जो लाइन जो जो से पे मिलती है, वो काट दो तो आपको, very, very nice पता चला कि कितना कम हो गया थर्टी डिग्री 30 डिग्री हो देखिए और इसका पजल जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू द कंप्लीट पॉलीगॉन ऑक्ट मतलब ऑक्टेगोन आपको बनाना है तो इसका पजल भी हो सकता है और बिल्कुल आपको तोरण जैसा भी घर पे लटका सकते हो सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस ज्योमेट्री इन दिस पॉलीगॉन्स ये ये मतलब हमें सीखना है अभी नेक्स्ट अभी इसमें बहुत पॉलीगॉन्स आप ले सकते हो लेकिन मैंने डायरेक्ट का सर्कल का डिस्क लिया है मैंने तो यहाँ एंगल कितना हो सकता है यदि मैं बारह लाइन ड्रॉ करता हूँ टोटल बारह मतलब पीछे बनाता हूँ तो थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो थर्टी डिग्री लेकिन आप और भी कम कर सकते हो दिस इज द रियल एक्चुअली तोरण अभी बिल्कुल तोरण बन गया कि हम जो स्कूल का फेस्टिवल होता है कुछ गांव का फेस्टिवल होता है तो ऐसा गांव में चिपकाते हैं स्कूल के डोर पे चिपकाते हैं सो दिस इज एग्जैक्टली लेकिन उसके पीछे देखिए हमने इस सर्कल से बना दिया ये मैं आपको बताना चाहता था और आप यदि काटते 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 जाओगे नंबर ऑफ मुझे साइड्स बढ़ाओगे पॉलीगॉन में अल्टीमेटली ये जो नीचे वाला जो एंगल था ये कम कम होता जाएगा बेसिकली एंगल आपका कम -कम होता जाएगा uh, और ये कम होने वाला एंगल दैट कितना कम होगा दैट डिसाइड्स कितने में, कितने साइड्स है लेकिन कभी झुरो नहीं होगा मतलब पॉइंट नॉट 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 तक जाएगा लेकिन झुरो नहीं कर सकते आप प्रैक्टिकली या थेटिकली भी आप झुरो नहीं हो सकता झूरो मतलब कुछ नहीं ना हुआ, तो एंगल कम होता जाएगा लेकिन जीरो कभी बनेगा नहीं ये मैं आपको बताना चाहता था अभी मैं आपको बोलता कि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दिखाने वाले हैं अभी भी आपके कोई फ्रेंड, कोई फ्रेंड दोस्त नए जुड़े होंगे तो उनको बोल देना कि प्लीज सी द एपिसोड उसमें हम ज्योमेट्री भी सीखेंगे और अल्टीमेटली दिवाली के लिए हम अच्छे लैंटर्स बनाएंगे और जो कुछ नए हमारे प्रेक्षक है उनके लिए मैं बोलता हूं प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल क्योंकि नेक्स्ट जो एपिसोड होते हैं ना और बाजू में कोई बेल का घंटी होता है उसे प्रेस करना होता है कि आपके आप

छे सात आठ ऐसे कुछ सॉलिड ढूंढे हैं तो यहां मैंने नंबर दिखाया है कि हाउ मेनी प्लेटॉनिक सॉलिड्स आर देयर अभी दिया आंसर क्या है पांच है बी सेवन है सी ट्वेल्व है तो नाइनटीन uh, uh, है तो हाउ मेनी प्लेटॉनिक सॉलिड्स आर देयर मतलब मैंने जो नंबर बता दिए ना वो कुछ गलत है लेकिन उसमें से सही नंबर क्या है ये आपको ढूंढना है ये आपको बताना है हाउ मेनी प्लेटोनिक सॉलिड्स आर देयर

Uh, महेंद्र अभी मुझे पढ़ने भी बहुत है uh, मनोज लिखता है विवेक रुपेश अभी नाम आ रहे कुछ बारह बारह बहुत uh, सात बारह सात बारह ऐसे नंबर पांच भी है उसमें गुड अभी जो है ना आपने आंसर तो लिखा होगा लेकिन पोल में भी देखो कि थर्टी सिक्स परसेंट लोगों ने क्या बोल दिया है बारह बोल दिया है के? चलो अभी हाउ मेनी प्लेटोनिक सॉलिड्स आर देयर नाउ लेट मी शो यू द आंसर ऑन द स्क्रीन अभी यहां लिखा है पांच अभी पाँच क्यों हैं ये हम सोचेंगे और उसके पीछे क्या ज्योमेट्री है क्या मैथमेटिक्स है बाद में हम देखेंगे उससे पहले हम एक्टिविटी शुरू करेंगे अभी देखिए एक, एक एक्टिविटी से तो अभी देखिए जैसे हमने टू डिमेंशनल सेप्स बनाए थे आप भी क्या कर सकते हो देखिए आपके सामने क्या घर में क्या है मैस्टिक्स तो होते हैं मैच बॉक्स तो होता है और वो जो ब्लैक कलर का जो है ना वो साइकिल का वॉलट्यूब है तो मैस्टिक में जो थोड़ा फॉस्फोरस होता है ना रेड का वो जो केमिकल जो होता है ना वो अपना कटर से आपको हटाना है और थोड़ा देखिए शार्पन कटर है तो संभल के करना है तो आपको तीन स्टिक्स बन गए और बाद में क्या करना है आपको ये तीन पीसेस लेना है वॉल ट्यूब के अरे वॉल ट्यूब साइकिल के दुकान में मिल जाती है और अभी देखिए दे आर मेड फॉर यू चौधर मतलब कितना पक्का जोड़ है देखिए रबर है मैस्टिक्स है बिल्कुल काम उनका अलग अलग है अलग अलग है लेकिन हमारे लिए made for each other. बिल्कुल अच्छा जोड़ हो जाता है उसका रबर कोर्स दिस योर सिंपलेस्ट पॉलिगॉन वो ट्रायंगल बन गए हमारा जैसा तीन स्टिक से और तीन जोड़ से ट्रायंगल बन गया वैसा चार का क्या होगा बिल्कुल स्क्वायर हो गया और हर मैच बॉक्स में सभी जो स्टिक्स होते हैं ना इक्वली लेंथ के होते हैं तो आपको ये अभी पांच है तो पेंटागन बनेगा और ये सभी रेगुलर शेप्स बन रहे हैं रेगुलर हेक्जगॉन बन गया अभी देखिए अभी उसके बाद क्या बन गए हेप्टागन बन गए अभी उसके बाद ऑक्टागन बन गया और उसके बाद ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा भी दस साइड हमने बना डेकागोन बन गए और आप कितना भी बन, बना सकते हैं और अल्टीमेटली जो होता है ना आप कहा पहुंच जाओगे ऐसा करते करते आप सर्कल पे पहुंच जाओगे देखिए सो दिस इज वेरी वेरी अभी देखिए हमने कितने बनाए लेकिन आपको क्या देखना है इसमें देखिए ये जो एंगल है यहां जो है वो जो था 60 डिग्री का थोड़ा समय साइड में दिखा होता देखिए 60 डिग्री एंगल है लेकिन यू फ्यू अभी मैंने दूसरा कौन सा भी एक शेप लिया अभी समझ लो कि पेंटेगॉन लिया तो एंगल एक्चुअली वो बढ़ता जाता है बिल्कुल बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते हमें अब ये सर्कल नहीं लेकिन सर्कल के तरफ हम जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल हम सर्कल के तरफ जाएंगे आपको यहां देख सकते हैं तो ये एंगल बढ़ते कैसे जाते हैं ये मैं ये मुझे आपको बताना था कि ट्रेंगल में सबसे कम वो होता है सिक्सटी बाद में बढ़ता बढ़ता जाता है वो एंगल इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन और इनफोनाइट साइड है तो हम उसे बोलते हैं सर्कल इनफोनाइट मतलब लेकिन क्या होगी डॉट ही हो जाएगा फिर ना बेट बेसिकलीस इज अर मतलब पॉलीगॉन दैट इज नथिंग बट दूर सर्कल ये मैं आपको बताना चाहता हूँ विल गो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी और नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ना आपके क्वेश्चन है अभी दिखिए ना वट इज द स्ट्रॉगेस्ट से ज्योमिट्री के बारे में बोल रहा हूं ट इज द स्ट्रॉगेस्ट द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जितने भी सेप्स होते हैं ना उसमें है? आपको, तो आपको, है है, आपको बताना है और अभी इसका जो आंसर है यू हैव टू यू है थ्री ऑप्शन और ये पोल क्वेश्चन भी आ जाएगा अभी शाइड स्क्रीन के ऊपर पोल क्वेश्चन भी आ जाएगा व्हाट इज द स्ट्रॉगेस्ट सेल ऑफ द ज्योमेट्री उसमें यह ऑप्शन मैंने आपको दिया है ट्रैंगल स्क्वेयर बी क्या है स्क्वेयर है सी क्या है पेंटेगोन है डी क्या है सर्कल है आपको देखिए अभी पोल क्वेश्चन भी आ गया और पोल क्वेश्चन में आपको वहां डायरेक्ट आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने क्या आंसर दिया क्योंकि यहां मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है तो लगभग फिफ्टी सिक्स आंसर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है वो लेकिन लगभग 50 के नजदीक लोगों 50 परसेंट लोगों ने 47, 50 ऐसा कुछ चल रहा है तो ट्रायंगल आंसर दिया है तो यू आर करेक्ट करेक्ट ना सी द आंसर जिसने जिसने ट्रैंगल बता दिया है ना तो उसका आंसर आपको यहां पता चलेगा लेकिन मैं थोड़ा सा उसे फर्क दिखाता हूं अभी देखिए पहला मैं हाथ में लेता हूं ट्रैंगल देखिए मैंने यहां जोर लगा दिया अभी थोड़ा मैं साइड में लेता हूं जोर लगा दिया वो स्टिक टूटेगी लेकिन वो शेप नहीं बदल उसका शेप नहीं बदलता देखिए जोर भी लगा दिया तो हाँ दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग वेरी वेरी स्ट्रांग सेप है ये देखिए लेकिन यदि मैं पेंटागॉन या दूसरा कौन सा जोर लगाता हूं तो क्या होता है दिखी? उसका घर फ्लेक्सिबल देखिए कैसा भी मतलब इसका भी सेप हम बना अभी तो मैंने स्टार बना दिया देखिए वेरी नाइस एक्चुअली स्टार यू कैन मेक बट ये फ्लेक्सिबल है लेकिन ट्राइंगल के बारे में ऐसा नहीं था ट्राइंगल इज अट्रॉन्गेस्ट सेप जो है ज्योमेट्री जो में और उसका इस्तेमाल इंजीनियर कहा करते हैं तुम्हारे मोबाइल के टावर होने दो माइक्रोवेव के टावर होने दो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं ना हाई टेंशन वायर वोल्टेज वाले तो उसका जो होता है ना जो बनते हैं जो उसके पिलर बोलो तो वो क्या बन जाता है कि बहुत ट्रायंगल से डिवाइड करते हैं वो हाँ जो टावर जो बनता है ना मल्टीपल ट्रायंगल से हो जाता है कि बिकॉज ट्रायंगल इज एक्चुअली स्ट्रांगेस्ट ट्रगल इन द ज्योमेट्री ये मैं आपको बताना चाहता था नाउ सीधा नेक्स्ट एक्टिविटी और नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखिए मैं आपको स्ट्रेंथ बताता हूं ये है ट्रायंगल है कितना स्ट्रांग है ये मैं बता रहा बताऊ और उसका यदि मैं वही मटेरियल का यदि हम स्क्वेयर बनाएंगे तो कितना लीचा पीचा है मतलब वो कितना अनस्टेबल है ये मैं आपको बताना चाहता था अभी चार ट्रायंगल से ये मैंने तीन टेट्राहेड्रन टेट्राहेड्रन बना दिए, उसे बोलते हैं, और उसके ऊपर हमने कितना वेट रख दिया लगभग 3.5 किलो, का वेट है, तो भी वो देखिए कितना है, ये मैं आपको बताना चाहता था कि जब ट्रायंगल से चीज बनती है टावर बन जाता है ब्रिज बन जाता है ना दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग से इसीलिए वो तो जैसा मैंने आपको बोल दिया था ना कि जो टावर होता है मल्टीपल ट्राइंगल में वो डिवाइड करते हैं बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉगेस्ट सेप इन द नेचर क्योंकि आज हम अभी तक हम टू डिमेंशनल बारे के ज्योमेट्री के बारे में बोल रहे थे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अभी और अभी थोड़ा ऐसा बढ़ता बढ़ता हमारा अल्टीमेटली हमें पहुंचना है दिवाली लैंटन के तरफ और उसके पीछे ज्योमेट्री है नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको दिखाता हूँ और नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अभी देखिए यदि मैं ऐसा जोड़ लगाता हूँ दो साइकिल वॉल्ट्यूब के पीसेस अभी ये चार का जोड़ छह का जोड़ है अभी यही जोड़ इस्तेमाल करके यू कैन मेक मेनी शेप्स बताऊंगा लेकिन उसमें चार ट्रायंगल है क्योंकि साइड में तीन नीचे एक चार ट्रायंगल है अभी इसमें देखो क्या है उसमें स्क्वायर है और अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इसमें छह स्क्वायर है और उसके बाद जो होगा अभी देखिए उसमें कितने हैं उसमें आठ ट्रायंगल्स है ये सेप क्या है बाद में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद जो दिखाऊंगा उसमें है, लेकिन वो बारह है ये मैं आपको बताना चाहता था लेकिन ये मैस्टिक से भी हो सकता है रिफिल से भी हो सकता है अभी देखिए ये जो है ना उसमें ट्वेंटी ट्राइंगल्स है छोटे छोटे ट्राइंगल्स है वो ट्वेंटी ये सेप हाजाम इसके पीछे क्या ज्योमेट्री है वो देखेंगे और बाद में ये कैसा बनाना है पेपर से ये आपको बताना है ना द नेक्स्ट एक्टिविटी क्योंकि आज हमें बहुत कुछ करना है अभी देखिए यदि आपके स्टिक लंबे हो बोट लंबे हो तो कितना देखिए ऐसा लगता है क्या क्या कुछ सेफ है क्या इसमें तो कुछ सेफ ही नहीं लग रहा मुझे लेकिन क्यों नहीं लग रहा कि दिस इज नॉट अ स्टेबल सेफ लेकिन उसे कुछ सपोर्ट दिया नीचे से तो आप बोलेंगे अब ये मुझे सेफ अभी मुझे पत, पता चल रहा है कि व्हाट इज द सेफ्स एंड देयर आर एक्चुअली क्या है पेंटेगॉन से वो कितने पेंटेगॉन से भाई वो भी आपको नंबर बताता हूं एक्चुअली ट्वेल्व वहां पेंटेगॉन है देखिए ऊपर एक नीचे एक साइड में जो है ना दस ऐसे ट्वेल्व थे मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ज्योमेट्रिकल सेफ है क्या क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं था इफ यू हैव द सपोर्ट दे यू सी द परफेक्ट सेफ एंड दैट है ट्वेल्व पेंटागॉन्स डोडे हा? का हाइड्रोनो से बोलते हैं बाद में उसका सिर्फ मैं डिटेल बताऊंगा और नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे और जो नेक्स्ट करेंगे अभी देखिए अभी पेपर से कैसा बनाना ये यू हैव टू टेक द थ्री ट्रायंगल्स लेकिन इक्विलेटरल हमने ट्रायंगल्स लिए हैं सेंटर में एक है और तीनों साइड पे तीन ट्राइंगल हाँ अभी बिल्कुल चार सेम ही ट्राइंगल से तो ये सेप को जो बोलते हैं ना चार टेट्रा हा?

ये एक्चुअली आप कुछ इमेज में पता चलेगा ये स्टोन से कार्विंग किया है मतलब जैसे हमारे यहां जैसे लेनी बनाते हैं ना केव्स बनाते हैं बिल्कुल छन्नी हथौड़ा से वो स्टोन को बिल्कुल कार्व करके करके मूर्ति बनाते हैं कुछ अलग अलग शेप्स बनाते हैं डिजाइन बनाते हैं तो ये बिल्कुल स्टोन से बिल्कुल कार्व किए हैं तो ये शेप जो है ना लगभग ढाई हजार पहले जो प्लेटो थे फिलोसोफर उसने इसके बारे में सोचा और उनको लगा कि ये पांच ये है और ये पांच अभी आपको सेप नहीं है, पता चलेगा यहां लेकिन यदि उसके ऊपर कुछ मैं लाइन ड्रा करूंगा तो पता चलेगा लेकिन दिस एक्चुअली ही थॉट 2500 थाउजेंड ईयर बैक कि वो है क्या कि ऐसे इतने ही सेप्स क्यों हैं तो उसने अभी नेक्स्ट इमेज में आपको पता चलेगा कि देखिए ये जो है देखिए अभी ये जो प्लेटो ने उसके ऊपर सोचा लेकिन जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई काम करते हैं कुछ उनको सिविलाइजेशन ढूंढना होता है कि पुरानी कैसे हो सकती है जैसा हमारा होता है हड़प्पा है लेकिन वहां स्कॉटलैंड में खुदाई करते समय उस आर्क्योलॉजिस्ट को ये सेप्स मिल गए और ये कितने हैं देखिए पांच है और उसको बिल्कुल उसने देखा कि अभी मैं शुरू करूंगा तो क्यूब कैसा होता है टेट्राइड्रन कैसा होता है बाद में डोड़े का हाइड्रन कैसा होता है कैसा होता है, ये और कैसा होता है। लेकिन प्लेटो से ही पहले एक हजार पहले स्कॉटलैंड में ये मिले थे, उसे स्कॉटिश सॉलिड भी बोलते हैं, लेकिन प्लाटो का जो खासियत है मतलब प्लाटो से पहले थे लेकिन प्लेटो ने इसे किसे जोड़ दिया तो नेक्स्ट इमेज में आपको पता चलेगा जो हम मराठी में उसे बोलते हैं पंचमहाभूत हाँ, महाभूत मतलब मीनिंग क्या है महाभूत कि जो हमारा अर्थ बना है हमारा जो पूरा यूनिवर्स बना है ये हमारी जो दुनिया बनी है तो हम क्या बोलते हैं उसे हाँ? फायर है अर्थ है एयर है एथर को आकाश भी बोलते हैं हम यूनिवर्स भी बोलते हैं पंच महाभूत आकाश हाँ, पानी हवा हाँ, उसके और आग इससे और ये इससे जो बनता है तो हमारा पूरा यूनिवर्स uh, बनता है तो प्लेटो ने मतलब जो हमारा यूनिवर्स बना है उस टाइम जो कुछ नोन इंफॉर्मेशन थी तो इससे ही बना पांच चीजों से पंचमहाभूतों से आ, 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 बनाया है ऐसा प्लेटो को आ, लगता था तो उसने पांच सॉलिड को ऐसे नाम दिए और इसे बोलते हैं कि फाइव प्लेटोनिक सॉलिड्स से बोलते हैं सॉलिड्स लेकिन ये ये पांच वो ज़्यादा नहीं और सॉलिड क्या होती देखिए तो है। क्या है, कि यहां ट्रेंगल, ट्रेंगल है यहां भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ भी इक्विलेट्रल है मतलब ये तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये चौथा है लेकिन इसकी खासियत क्या है ये सभी जो फेसेस है ये बिल्कुल बोलते हैं ये 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 और ये, सभी एंगल्स है, है, तो तो ये 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 मतलब बनेंगे वो भी सेम होना चाहिए मतलब फेसेस भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और ये एंगल भी सेम होना चाहिए सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्लेटोनिक सॉलिड और ऐसे कितने हैं नेचर में बिल्कुल पाच ही है और प्लेटो ने उसका जो रिलेशन जोड़ दिया पंच महाभूतों से तो उसका नाम है प्लेटोनिक सोलिड uh, प्लेटोनिक सॉलिड चार ट्राइंगल से बना है तो दिस इज अ टेट्राहेड्रन और अभी दूसरा मैं आपको बताता हूं दूसरा जो है यह है देखिए ये क्या है हमारे ज्योमेट्री के लैंग्वेज में उसे हम क्यूब बोलते हैं दिस इज नॉट क्यूबॉइड अ क्यूब मतलब ये सभी जो फेसेस है कंग्रूएंट है सेम है और यहां जो आते हैं देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये तीनों भी जो एंगल यहां बन रहे हैं ना वो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तो सेम ही है यहां भी सेम है यहां भी सेम है यहां भी सेम है यहां भी सेम है, है तो दिस इज अ सेकंड प्लैटोनिक सॉलिड सरफेसेस कंग्रूएंट एंगल्स सेम अभी उसके बाद अभी मैं आपको ये बताता हूं ये क्या है देखिए ये देखिए यहां तीन यहां चार ट्रायंगल यहां चार ट्रायंगल यदि मैं ऐसा पकड़ूंगा तो आठ ट्रायंगल है लेकिन ये सभी जो फेसेस जो है ना कॉन्ग्रोट सेम और यहां जो एंगल बनते हैं ना सभी मतलब जंक्शन पे देखो वर्ट पे देखो तो एंगल सेम ही है तो ये जो है ना फेसेस कांग्रोट सेम एंगल दिस इज अ थर्ड प्लेटोनिक सॉलिड और अभी ये जो मैं आपको बताता हूं ये जो है ये देखिए ये भी देखिए एंगल से ट्रायंगल से बना है ट्वेंटी ट्वेंटी no so, मतलब वाला पॉलिगोन uh, और ये जो मैंने आपको बताया था वहां जो बलून अंदर डाल दिया था ना ये सेफ है बेसिकली वो जो है पेंटागॉन्स है कितने एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह यह है पेंटेगॉन लेकिन सभी पेंटेगॉन कॉन्ग्रोट है और यहां जो एंगल आ जाते हैं देखिए है। यहां भी यो जो, जो ये एंगल ये एंगल एंगल सेम ही है और यहां भी तीन यहां भी तीन यहां भी तीन तो दिस इज अत या स्पेशलिटी ऑफ द ये अपने प्लैटोनिक सॉलिड्स तो इसलिए उसे प्लैटोनिक ये इतने ही है मेरे पीछे बहुत है लेकिन उसमें ये नहीं है सभी में नहीं बिल्कुल कुछ में है

सॉलिड है जो पहला जो मैंने बोल दिया था बिल्कुल चार ट्राइंगल सभी है, क्योंकि थ्रेड लगाने से आपको पता चलता है वैसा नहीं पता चलेगा लेकिन इफ यू ड्रॉ द यू विल गेट द आइडिया कि वो प्लेटॉनिक सॉलिड का मीनिंग क्या होता है अभी नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाएंगे अभी ये जो नेक्स्ट में जो है ना नेक्स्ट में, में लेता हूं देखिए येड्रन मैंने आपको दिखा दिया था तो इसमें कितने फेसेस है हुँ. और क्या होता है नॉर्मल देखिए इफ यू मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं क्योंकि नाम कैसे आ जाते हैं टेट्राहाइड्रन नाम कैसे आ गया ये आपको हिंट दिया तो हाइड्रन आर मेड फ्रॉम द हाउ मेनी फेसेस एंड यू हैव टू राइट आंसर मेनीसर इन द चैट एंड दिस इज योर पोल क्वेश्चन वो पोल क्वेश्चन भी आ जाएगा अभी स्क्रीन uh, पे थोड़ा टाइम जाता है आपको आने तो के लिए कुछ सेकंड जाते हैं लेकिन दिस विल अपियर ऑन यूर स्क्रीन की ऑक्टेहाइड्रन आर मेड फ्रॉम द हाउ मेनी फेसेस आने आपको आंसर देना है चार्ट में अभी बहुत आंसर आ रहे हैं यहाँ ऋतविक का आ रहा है यूसुफ का आ रहा है गौरी का आ रहा है आंसर मनी का आ रहा है जगजीत का आ रहा है ऐश्वर्या का आ रहा है ओके दत्ता का आ रहा है आठ आठ बारह ज्यादा आठ है चार भी किसी ने लिखा है आठ भी लिखा है हाँ अभी देखिए अभी को, पोल क्वेश्चन आ गया है देखिए ऑक्टर द मेड फ्रॉम द हाउ मेनी फेसेस यदि आपको पोल में लिखने को आता है तो वहां लिखो नहीं तो चार्ट में लिखो यू हैव द टू ऑप्शन हाउ मेनी फेसेस ये क्वेश्चन है आपका और बहुत अभी देखिए आठ आठ मतलब जो आंसर है वो लगभग सेवन परसेंटेज लोगों का है चलो सीधा आंसर ना अभी गेट द आंसर यस दिस इज एक्चुअली एट जो लिखा है eight, मतलब hmm. तो ये eight है अभी देखिए मैंने आपको बोल दिया था ना ये, ये और ये इतने फेसेस एक फेस एक फेस एक फेस face. चार फेसेस

लगाओगे देन विल गेट द आइडिया दिस इज नथिंग बट द ऑक्टाहेड्रन क्योंकि खाली बॉल से आपको नहीं पता चलता लेकिन इफ यू यू मार्क द द एजेस देन दैट टाइम विल गेट क्लियर कि ये ऑक्टाहेड्रन क्या होता है और इसे फेसेस कितने होते और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया सेवेंटी सिक्स परसेंट बच्चों ने टीचर ने आंसर सही दिया है चलो हम नेक्स्ट जाएंगे हुँ. और नेक्स्ट देखिए ये बहुत फनी सेफ है अभी देखिए ये अभी यदि खाली बॉटल्स है तो आपको पता ही नहीं चलेगा देखिए इसका मटेरियल क्या क्या है इससे भी आपके घर में है और इसका ढक्कन है बस ढक्कन और बॉटल्स और ढक्कन मैंने अपना एक जो वुडन ब्लॉक होता है क्यूबिकल साइड वाला क्यूबिकल उसमें मैंने वो ढक्कन चिपका दिए और यदि मैं क्या करूंगा सभी साइड से उसे बॉटल लगाऊंगा सभी साइड से मैंने यदि उसे बॉटल लगा दिए तो आपको लग रहा है बन बन रहा है अभी मल्टीप्लाई क्या प्लस साइन जैसा गया बाद में ऊपर एक लगा दिया नीचे तो उसको डिफाइन करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज नथिंग बट अभी देखिए मैं बोलूंगा नहीं लेकिन ये क्या बन रहा है अब देखो बॉटल कितने हैं उसमें छह ही बॉटल है हाँ। और चार कैसे लगा दिए दो कैसे लगा दिए और कौन से भी साइड से यदि हम देखते हैं तो क्या लगेगा हमें थोड़ा इमेजिन करो और बाद में हम उसे पूरा लपेटने के बाद आपको दिखाएंगे कि वो कैसा लगता है अभी भी आपको पूरा आइडिया नहीं आएगा कि क्या से बनने वाला है लेकिन इफ यू मार्क द एजेस विथ हेल्प ऑफ द थ्रेड या हम कलरफुल थ्रेड को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखने में अच्छा क्योंकि घर में आपको जो कुछ थ्रेड होगा आप लगा लगा के देखो नाउ आपको पता चलेगा आर ऊपर चार ट्रायंगल्स नीचे भी चार ट्रायंगल्स आ गए और दिस इज नथिंग बट द ऑक्टाहेड्रन यह मैंने आपको आपके लिए बनाया या आप देखिए यहाँ से देखा तो ये ऑक्टाहेड्रन का ये जो टॉप है लेकिन अंदर क्या है देखो ये है बेसिकली दोनों भी आपको पता चला बिल्कुल

चार स्क्वेर लेता हूं तो सेंटर में जो है ज्वाइंट है वह एंगल क्या बनेगा सभी का मिला के वो 360 बनेगा और यदि 360 डिग्री है मतलब वो प्लेन है वो बेंड होने का चांस ही नहीं है तो हमें किसी हालत में ये सॉलिड बनाने के लिए थ्री डी बनाने के लिए प्लेटोनिक सॉलिड बनाने के लिए वो 360 डिग्री से एंगल कम होना चाहिए तो हमने यहां एक पीस निकाल दिया तो अभी वो हो गया अंदर देखिए देखिये हो गए बाहर से कॉन्वेक्स हो जाएगा ना फिर तो अभी देखिए मतलब यदि वहां कुछ आपको एंगल चाहिए तो वहां कितना चाहिए जंक्शन के ऊपर ज्वाइंट के ऊपर थ्री सिक्सटी डिग्री से कम चाहिए यहां कितना हो गया नाइनटीन नाइनटी नाइनटी थी टाइम्स टू सेवेंटी हो गए ना टोटल अभी देखिए यह खासियत होता है मतलब 360 डिग्री एंगल नहीं चलेगा हमें एट द जंक्शन अभी ये भी देखो ये हमने कितने ट्रायंगल है पांच अभी मैं छठवा भी लगाता हूं तो यह 360 डिग्री एंगल बन गया और 360 एंगल बनने से वो तो फ्लैट हो गया बेड होने का चांस ही नहीं है तो यू हैव टू रिमूव द वन पीस अभी बाद में आप चुपका दो तो यहां आपको वो सेप आ जाएगा जो होता है ना और एक उसकी खासियत है प्लेटोनिक सॉलिड की वो कॉन्वेक्स शेप होना चाहिए तो यहां अंदर से तो कम क्यों हो गया लेकिन बाहर से मैं आपको दिखाता हूं सो दिस इज योर कॉन्वेक्स तो मतलब जंक्शन पे एंगल तुम्हारा 360 डिग्री से कम होना ही चाहिए टू मेक द सॉलिड सेप थ्री डी ये बन गए आपको तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल अंदर से बाहर से ओके okay. चलो अभी यदि हम पेंटेगॉन इस्तेमाल करेंगे तीन करेंगे तो आपको तो पता चला कि एक एंगल कितना होता है हंड्रेड एंड एट तो तीनों कितने हो गए थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर तो बचा कितना थर्टी सिक्स डिग्री मतलब थ्री सिक्सटी से मैंने वो माइनस किया तो उतना कम हुआ तो भी चलेगा लेकिन ड्यू टू दैट गैप यू कैन मेक द कॉन्वेक्स सरफेस लाइक दिसको बताना चाहता था वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मतलब जंक्शन पे हमें थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल चलेगा ही नहीं उसे कम होना चाहिए और यह कम कितना है थर्टी सिक्स डिग्री कम है ओके सो दिस वेरी नाइस सेफ और बाद में इसके हम जो पॉलीगोन बनाने वाले हैं अभी देखिए कौन सा भी सेफ हो अभी मैं फुटबॉल का भी आपको एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा लेकिन यहां देखो क्या है यहां जो है अभी

फिर ऐसा सेप नहीं लेगा तो यू नीड सम पेंटेगोंस सम एंड टू तो मेक द फुटबॉल साइज फुटबॉल का सेप चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दिखाएंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है हमने आपके लिए डिजाइन की स्पेशल दिवाली के लिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम तो आकाश कंदिल बनाना शुरू करेंगे अभी लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर, करूंगा कि जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो साइड का बेल बटन भी दबा दो क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड भी आपको बाद में पता चलेंगे चलो हम अभी आगे जाएंगे अभी देखिए ये क्या है ये अभी ये तो आकाश कंदिल बन गया लेकिन उससे जो ज्योमेट्री छिपा है वो हमें देखना है ये बन गया तुम्हारा पहला तो आकाश कंदिल तो ये मैंने आपको एक दिखा दिया लेकिन अभी आप सभी के लिए हमने क्या किया है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके टेम्पलेट रख दिए हैं ये टेट्राहेड्रल जो सेफ है लैंटन का जो फर्स्ट प्लेटॉनिक सॉलिड कैसा बनाना है उसका लैंटर्न कैसा बनाना है उसके सभी के टेम्पलेट नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है वीडियो के वहां दे वहां हमने रखे वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं अभी ये प्रोग्राम होने के बाद आप प्रिंट आउट ले लो और यदि टेटरा है तो आपको चार ही प्रिंट लेना पड़ेगा और उसके ऊपर हमने ऐसे कुछ मार्क किए हैं कि आपको कटर से बहुत इजीली आप काट सकते हैं वहां हमने कुछ कर्व नहीं डाल दिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कुछ ट्रायंगल हो सकता है कुछ स्क्वायर हो सकता है कुछ रेक्टेंगल हो सकता है वही हमने लगा दिया है क्योंकि आपको काटने में जी हो सके और जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है दैट इज योर एक्चुअली वो जो है ना वहां आपको फोल्ड करना है मतलब वो उसके बाहर का हिस्सा जो है ना वो फ्लैप बन जाएगा अभी ये सेफ हो गया देखिए तुम्हारा मतलब ये हमने ट्रायंगल काट दिया हम्म और वो जो है ना जो स्लिट्स बन जाती है ना उससे बहुत अच्छा लाइट बाहर आ जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा पटला पेपर कभी कभी काइट पेपर होता है जो कुछ पटला पेपर आपको मिल जाएगा ना तो उसके अंदर चुपका दो बिल्कुल चिपका दो एक ट्रायंगल ऐसा बना के और बाहर का यदि थोड़ा सा स्टिप पेपर हो तो ठीक है नहीं तो अपना साइज वाला कौन सा भी पेपर चलता है लेकिन स्टिप थोड़ा हो तो फोल्ड करते समय आसान हो जाता है और वो शेप वो थोड़ा सा स्टर्डी हो जाता है वो नहीं हो तो अपना ये यह आई चलेगा लेकिन कलर पेपर होता और बेहतर है अभी ये तुम्हारा एक यूनिट बन गया टेट्राहाइड्रन के लिए नीड हाउ मेनी यूनिट फोर अब ये फोर यूनिट है देखिए और आपको यदि ब्लू से चिपकाना है तो ब्लू से चिपका दो इफ यू डोंट हैव सपोज ब्लू देन यू कैन स्टेपल इट देर आर सो मेनी ऑप्शंस यू कैन आइदर स्टेपल इट और ग्लू लगा दो लेकिन थोड़ा सा ड्राई भी होने दो थोड़ा सा ड्राई ओ, ओ, हो, होने दो, और मैं आपको सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूं इस दिवाली में कुछ आपको बाहर से यू नो नीड टू बाय द लैंटर्न फ्रॉम द मार्केट आकाश कंदीर बाहर से परचेस करने की जरूरत नहीं यू कैन मेक यूर ओन लैंटर्न और उसके पीछे कितना ज्योमेट्री छिपा होता है वो बाद में हमें पता चलता है देखिए ये तो बन गया देखिए ये तुम्हारा बन गया लेकिन नीचे जो थोड़ा सा हमने गैप रख दिया है ना वो खाली बल्ब छोड़ने के लिए लाइट लगाने के लिए तो आपको अंदर बल्ब छोड़ना है और देखिए कितना अच्छा लगता है, है? ट्रेट्रा हाइड्रन बन गया तुम्हारा और उसको नीचे थोड़ा सा भी आप कुछ अलग लगाओगे टैसल्स बोलते हैं उसे मतलब जो स्ट्रिप्स होते हैं पेपर के ऐसे टैसल्स नीचे लगाओगे ना तो हो गया तुम्हारा दिस इज योर फर्स्ट नॉट जस्ट लैंटन दिस इज ये प्लेटॉनिक सॉलिड से दिवाली लैंटन कैसे बना सकते दिस इज आवर टूडेज मतलब पर्पज या थीम है कि आप लैंटन बना दो उसके पीछे ज्योमेट्री सीखो और प्लेटोनिक सॉलिड से आप लेंटन बनाते हैं तो और बेहतर है. है चलो अभी नेक्स्ट हम एक्टिविटी दिखाएंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी में जो होगा ना ये सेब देखो क्या है मैंने बॉटल से भी आपको दिखाया था बॉल से भी दिखाया था हलग अलग मतलब लेकिन ये जो बनाना है उसके लिए भी हमने टेम्पलेट जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है खाली आपको वो डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट लेना है देखिए उसका प्रिंट और यदि हम यहाँ कटर जैसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना तो थोड़े आपके बड़े घर में भाई बहन है उसके साथ करो पेरेंट के साथ कर दो और लेकिन थोड़ा टाइम जाता है उसमें काटने में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और लेकिन आपका खुद का लैंटन बन जाता है उसका बहुत अलग मतलब हैप्पी मिलता है, आप, आप, यू बी वेरी वेरी हैप्पी इफ यू मेक योर ओन लैंटर्न तो अभी देखिए ये कैसा पीस बना दिया हमने और ये बिल्कुल फैमिली एक्टिविटी भी हो सकती है दो चार लोग बैठ के ना एक घंटे के अंदर कौन सा भी तुम्हारा लैंटन बन जाएगा हम्म वेरी नाइस एक्टिविटी जस्ट रिमूव दिस स्लेट्स क्योंकि ये हमने क्यों रिमूव किया है क्योंकि उसके अंदर हमें और एक पेपर चुपकाना है हा? Uh, यदि वो पेपर स्पिक किया तो वहां से लाइट बाहर आ जाता है और वो बहुत अच्छा पैटर्न और यहां तो मैंने जैसे आपको बोल दिया था हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करके पैटर्न बना दिए यू कैन मेक एनी एनी पैटर्न ऑन दैट और बाद में अंदर एक थोड़ा सा पटला पेपर लगा दो और अपोजिट कलर यदि आप इस्तेमाल करते हो ना दैट वुड बी बेटर दैट वुड बी बेटर अभी देखिए मतलब वो बिल्कुल अच्छा दिखाई पड़ेगा और ऑक्टर uh, हाइड्रन है, है तो आपको ऐसे कितने यूनिट बनाना पड़ेगा बिल्कुल आठ और वो जो फ्लैप जहां हमने डॉटेड लाइन लगा दिया था ना वो खाली फोल्ड करने के लिए हमने लाइन लगाया था फोल्ड करने के लिए बिल्कुल वो फोल्ड करते जाइए आप थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोल दिया था ना पेशेंस होना चाहिए और हर कोने पर देखिए एंगल कितना बन गया ये है ये ट्रायंगल अल्टीमेटली वाले तो आप मेजर भी कर सकते हो और बाद में क्या कर सकते हो इसका जो है ना वो एक दूसरे को आपको बिल्कुल जोड़ना है आइदर विथ हेल्प ऑफ द ग्लू और विथ हेल्प ऑफ द स्टेपल को कर, स्टेपलर से भी आप कर सकते हो तो ये तुम्हारा देखिए और ये फोल्ड कर थोड़ा सा नीचे थोड़ा फोल्ड भी करना होता है क्योंकि वो वहां सेप बदलेगा उसका थोड़ा सा वो बेंड हो जाएगा बिल्कुल लाइन के ऊपर थोड़ा टर्न हो जाएगा वो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली अब ये बन गया तुम्हारा अभी चार है और अभी ये जोड़ोगे तो दिस इज अफ बन गया ज हाफ पार्ट ऑफ दाफ और बिल्कुल ऐसा ही करना है दूसरा नीचे लगाना है बस और थोड़ा स्ट्रिप पेपर हो तो वो बहुत स्टर्डी भी सेफ हो जाता है देखिए ये हमने दूसरा जो बना दिया है थोड़ा स्टर्डी पेपर लिया है देखिए दिस इज अ वेरी नाइस और बच्चों को उसके उसके साथ खेलने में बहुत मजा आ जाता है बहुत मजा आ जाता है बस अंदर लाइट लगा दो क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ द लाइट है तो अंदर आपको लाइट लगाना है तो यू मेड यूर ओन ऑक्टेहाइड्र एक्चुअली लैंडन एंड दिस इज द वन ऑफ द प्लेटोनिक सॉलिड अब उसके पीछे ज्योमेट्री भी समझा हमने बहुत हाथ से काम किया तो बहुत बहुत स्किल भी आ जाते हैं क्योंकि हैंड एंड ब्रेन एक साथ काम कर सकते जब आप हैंड्स ऑन कर करते हो तो आपका माइंड भी ऑन होता है हैंड्स ऑन माइंड ऑन जैसा होता है ना बिल्कुल हाथ से काम करने से बहुत हम सीखते हैं बहुत हम सीखते हैं और अल्टीमेटली यू गेट द लैंटर्न एंड लर्न द ज्योमेट्री नाउ द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट एक्टिविटी जो है अभी देखिए ये क्या है क्यूबिकल है ये क्यूब है बेसिकली और ये लैंटर्न कैसा हो सकता है इसका ये हम अभी देखेंगे मतलब क्यूब से लैंटन बनाते हैं और दिस इज अ प्लेटोनिक सॉलिड और उसके लिए कितने आपको प्रिंट लेना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है वहां से आपको प्रिंट लेना पड़ेगा यदि आप प्रिंट ले लो नहीं तो खुद बना दो यू डिसाइड और ये जो है ना अभी सिक्स जो फेसेस है वो भी बिल्कुल आपको काटना है बिल्कुल आपको काटना है और यदि ये, ये फोर के ऊपर एक आ जाता है ना तो आपको प्रॉपर साइज का मतलब बड़ा बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं तो ये फोर साइज इज एक्चुअली आइडियल सो वी मेजर कि मतलब हमने करके देखा है या मेरे पीछे जो सभी जो लैंटर्न जो है सभी सेफ है हमने पहले करके देखा है कि यदि इफ यू हैव द साइज पेपर अभी कॉमन होता है ना सभी जगह पे तो इससे बहुत अच्छे लैंटन बन जाते हैं बस आपको ये सभी स्लिट्स जो है ना वो काटना है और अभी जैसा मैंने आपको बोल दिया था कि अंदर जो है जो आपको एक पेपर क्यों लगाना है बस थोड़ा सा पतला पेपर लाइट आने के लिए और ये करते करते समय आप थोड़ा सा उसका देखिए कि उसमें क्या क्या एंगल कैसे कैसे बन रहे हैं हम्म अभी देखिए बस वो और थोड़ा सा उसे स्ट्रेंथ भी मिल जाता है इफ़ यू हैव वेरी वेरी थिन पेपर ना देन इफ यू यूज द डबल पेपर ना इट विल गेट सम स्ट्रेंथ अल्सो बस आपको अभी तुम्हारे यूनिट बन गए लेकिन एक जो यूनिट है इसका मैंने एक ऐसा अंदर का स्क्वेयर काट दिया है वो खाली लाइट छोड़ने के लिए बल्ब छोड़ने के लिए वो काट दिया है अभी देखिए ना बस वो जो फोल्ड जो है आपको करना है फ्लैप बनाना है क्योंकि वो चुपकाने के लिए या स्टेपल करने के लिए दैट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल दिस इज यूर यूनिट अरे ऐसे आपको यूनिट कितना बनाना है यू गॉट द आइडिया क्यूब है तो आपको छ ही चाहिए और बल्ब छोड़ने के लिए ना अंदर जगह भी चाहिए और यदि बल्ब आपका कौन सा भी होने दो एलईडी बल्ब होने दो फिलामेंट वाला बल्ब होने दो तो वो ऐसा छोड़ना है अंदर कि वो बल्ब मिड पॉइंट पे होना चाहिए कि किसी सरफेस को टच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पेपर है बहुत लंबा तक रखेंगे तो वो थोड़ा सा जलने का भी चांस होता है लेकिन दिस इज अ तो, फेयरली सेफ लैंटर्न होते हैं उसके अंदर एक ऐसा एक एलईडी बल्ब होता है या फिलामेंट वाला बल्ब होता है बिल्कुल आपको छोड़ना है और जो मैंने बोला कि अच्छा देखने के लिए नीचे आप टैसल्स भी लगा सकते हो हाँ ये जो सरफेस जो है ना मैंने खाली क्यों रख दिया है पहला बल्ब छोड़ो बाद में वो क्लोज करो नहीं तो पहला होल करके रखो हाँ देखिये ये जो हो गया नीचे जो है देखिए ये वायर के लिए है और ये बल्ब अंदर डालने के लिए है एंड आपको यदि उसके अंदर बल्ब छोड़ोगे बल्ब छोड़ोगे लाइट छोड़ोगे छोड़ो तो कितना अच्छा लगता है देखिए दिस इज अ क्यूब एक्चुअली एंड वी मेड लैंटर्न आउट ऑफ द क्यूब और आप नीचे नीचे क्या करना है अभी आपको टैसल्स लगाना है देखिए ये जो ऐसे लग रहा और वो भी कैसे भी हो सकते हैं यू डिसाइड उसका थिकनेस क्या होना है कितना लंबा होना चाहिए यू डिसाइड दिस इज जस्ट मतलब यू डू द द वेरियस ऑफ एक्सपेरिमेंट लंबा यदि टैसल्स में भी बच्चा इसे भी बना सकते हैं कि ट्रेंगुलर भी हो सकता है ऐसा कुछ कर्व भी हो सकता है यू डिसाइड आपको कैसा बनाना है सो दिस इज योर मतलब क्यूब से हमने लैंटन बना दिया नाउ द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट जो है अभी क्वेश्चन है आपके लिए डोड़े का आर मेड फ्रॉम द पेंटेगॉन यदि मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूं देखिए ये, ये पेंटेगॉन मैं आपको दिखा रहा हूं ये मेड फ्रॉम द पेंटेगॉन और हाउ अभी तो पेंटेगॉन से बनाई तो पता चला हाउ मेनी इट हैव वर्टेसेस मतलब ये कितने हो सकते हैं देखिए ये ये कितने हो सकते हैं पेंटागॉन में ये क्वेश्चन है यू नो द फेसेस बारह है लेकिन वर्टाइसेस कितने हो सकते हैं क्योंकि हाँ सभी बच्चे खेल अब एक मैं बताता हूं तब तक आंसर आ आ जाएगा जाएगा पोल क्वेश्चन भी स्क्रीन के ऊपर तब तक मैं बोलता हूं इसमें ये ये जो होते है न, ये होते हैं हैं ना वर्टाइसेस देखिए ये ये एजेस है तुम्हारे एज और ये फेसेस होते हैं और जो तुम्हारा जो ऑयलर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है वर्टाइसिस प्लस एजेस जो होता है बाद में वर्टाइसेस एजेस एंड प्लस टू वो जो होता है ना तुम्हारा फॉर्मूला जो ऑयलर हाँ, जो, जो होता है ना ये सभी ये जो हमारे प्लेटोनिक सॉलिड है और अलग और भी कुछ जो होते हैं ना उसको भी लागू होता है मतलब यू कैन लर्न ऑयलर फॉर्मूला वी प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस टू कैसा प्रूव होता है

आई एम सींग इन द चार्ट दस बारह बीस बीस बारह बारह राजू जर्क अर्चना कुनाल चलो अभी ये जो क्वेश्चन फिर आपको स्क्रीन uh, पे uh, दिया है वेरी नाइस nice, बारह आठ बारह आठ बोट लोगों का है चलो अभी आंसर देखते हैं अब हम उसका आंसर देखते हैं तो ट्वेंटी फोर परसेंट लोगों ने बीस बोला है देखिए ये होते हैं ना पांच ये काउंट करना है आपको ये पॉइंट्स काउंट करना है 20 होते हैं इसमें बिल्कुल बीस आपको स्क्रीन पे आंसर भी है ये 20 है बारा है लेकिन जो होते हैं ना शुरो हम मराठी में बोलते हैं उसे वो बीस होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं ना नेक्स्ट एक्टिविटी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना अभी इसका हम इस्तेमाल करके वी आर मेकिंग वेरी नाइस लैंटन दिस इज अ मतलब बारह फेसेस से और उसके लिए आपको एक के ऊपर दो ये है पेंटेगोस तो आपको कितना लेना पड़ेगा छह प्रिंट लेना पड़ेगा तो बारह हो जाएगा ना और बिल्कुल जैसा मैंने आपको बोल दिया था ना वैसा काटना है सीधर से भी आप काट सकते हो कटर से भी काट सकते हो और बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है बस आपको काटना है और सभी जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स होते हैं बड़े ट्रायंगल्स होते हैं ना वो सभी काटना है क्यों काटना है खाली लाइट आने के लिए ये पर्पज है और थोड़ा सा स्ट्रिप पेपर हो तो जैसे मैंने आपको बोल दिया ना ये सेप्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं मतलब बॉल जैसा भी हो जाता है बाद में खेलने के लिए बच्चे उसके साथ खेलते हुए मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिप पेपर चाहिए जैसे मैंने बोल दिया ना कि फैमिली के साथ बना सकते हैं मतलब दो तीन लोग एक बार बैठ गए ना तो तुम्हारा आकाश कंदील या लैंटर्न मतलब एक घंटे के अंदर बन जाएगा सो दिस वेरी नाइस एक्चुअली बाद में आपको चिपका दो uh, चिपकाना है और जैसा मैंने आपको बोल दिया है ना आपको क्या करना है कि कलरफुल पेपर uh, इस्तेमाल करना है साइड हो हो तो बहुत अच्छा है. कलर हो तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा है है कलर अंदर का और बाहर का अभी देखिए ये हमारे बन गए यूनिट्स अरे यूनिट्स बनने के बाद आपको क्या करना है फोल्ड करना है बिल्कुल फोल्ड करना है और क्या फोल्ड करना है फ्लैप और मिड लाइन वो जो देखिए ये जो मिड लाइन भी है ना थोड़ा फोल्ड करके रखो क्योंकि वहां से जाएगा ओके और ये सभी जो जो फ्लैप्स है ना फोल्ड करना है जैसा मैंने आपको बोल दिया था वो फ्लैप आप ग्लू से भी यू कैन स्टिक द हेल्प ऑफ़ द ग्लू और यू ओके चलो अभी सभी ऐसा फोल्ड करना है थोड़ा सा पेशेंस लगता है इसमें लेकिन फोल्ड करते करते समय आपको पता चल रहा है कि हर मतलब पेंटागॉन कैसा है और पेंटागॉन का हर एंगल क्या है वो 108, 108 ऐसे कैसे है पाँच कैसे मिल जाते हैं ये भी हमें पता चलता है तो ये तुम्हारे यूनिट्स बन बन गए और बस आपको क्या करना है अभी ग्लू से चिपकाना है या आ, स्टेपल करना है लेकिन इफ यू यू आर यू, यूजिंग यू यू द ग्लू थोड़ा ड्राई होने के लिए टाइम दे दो क्योंकि ड्राई होने के लिए कुछ एक मिनट दो मिनट दे दो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ द ब्लू अदरवाइज यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ द ब्लू वट एवर यू हैव ये देखिए आधा बन गया ऑलरेडी और ये आधा बनने के बाद यू कैन मेक नेक्स्ट हाफ दिस इज हाफ देन और दूसरा हाफ ऐसा ही बनाना है एंड अल्टीमेटली दिस इज योर फुल और दो कलर का है और यदि एक कलर का भी हो सकता है दो कलर का भी हो सकता है ये तीसरा भी आप, आप, आप क्लोज कर सकते हो और अच्छा सबका बॉल बन जाता है देखिए बच्चों के लिए लेकिन दिस इज नॉट अ रेगुलर बॉल दिस इज अ डोडे का हाइड्रन और बाद में एक फ्लैप निकल के अंदर बल्ब छोड़ दो सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल एक्चुअली लैंटर्न प्लेटोनिक सॉलिड यू कैन मेक इन होम एंड प्रिंट यू कैन टेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत इंफॉर्मेशन हमने आपके लिए डाली है तो दिस इज अ कुछ अच्छा लगाओगे तो दिस इज अ लैंटर्न यू कैन हैंग मतलब आपके घर के सामने डोर पे आप ये बिल्कुल हैंग कर सकते हो दिवाली के सीजन में क्योंकि कितना अच्छा वो, उससे अंदर से लाइट आ जाता है हुँ. अभी ये तो डोरे का अभी क्या बचा है आप ही बता दो अभी जो बचा है हमारा आइकोसा जो प्लेटोनिक सॉलिड पांच ही है तो अभी हमें बनाना है आइकोसा हेड्रोनल

अंदर का हिस्सा निकाल दो और वो जो छोटे छोटे जो ट्रायंगल्स है छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स है आपको काटना है कटर से बहुत इजी होता है नहीं तो आप सीधर से भी काट सकते हो अब जैसा मैंने आपको बोल दिया कि कटर इस्तेमाल करते समय बी केयरफुल जो घर में बड़े लोग हैं उसके साथ ही काम करो वेरी नाइस nice. अभी देखिए ये ऐसा दिखेगा और ये जो है अभी मैं ये स्टेपल करके आपको दिखाऊंगा ये जो फ्लैप्स है ना यू कैन यूज द glue, बट आप अभी मैं आपको स्टेपल करके दिखाऊंगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन है कि स्टेपल से बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाएगा अब ये देखिए हर जहां डॉटेड लाइन थी ना वहां हमने फोल्ड लगा दिया अभी बस एक कलरफुल पेपर अंदर लगा दो ये जो ऑरेंज कलर का जो पेपर है बस वो उससे बहुत अच्छा बाहर लाइट आ जाता है तो ये पतला पेपर है उसके ऊपर आपको चिपकाना है वेरी नाइस गुड अभी ये बिल्कुल काजू कटले जैसा लगता है ना बिल्कुल डायमंड से ऐसे आपके यूनिट बन गए अभी ये दस बन गए बस आप जोड़ते जाना है अभी स्टेपल से अभी मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ ये दस यूनिट है क्योंकि दस है तो ट्वेंटी ट्राइंगल हो जाएंगे कि एक के ऊपर दो ट्राइंगल हैं देखिए ऐसा नजदीक रख के बिल्कुल फ्लैप मैच करके ये ये फ्लैप बाहर से भी फोल्ड हो सकता है कि नॉट नेसेसरी के अंदर से फोल्ड करना है यू कैन फोल्ड फ्रॉम द आउटसाइड अभी देखिए और ये जो एक बचा हुआ ट्राइंगल जो है वो आपको फ्लैप मैच करना है और वहाँ भी आपको बिल्कुल स्टेपल करना है वेरी नाइस nice. आप बिल्कुल देखिए या इसे स्टेपल करते करते जाएंगे आप तो बिल्कुल ट्वेंटी ट्रायंगल इस्तेमाल होने के बाद आपका ये आइकोसा बन जाएगा बिल्कुल लेकिन आपको फ्लैप अच्छी तरह से मैच करना पड़ेगा ग्लू करते समय या स्टेपल करते समय देखिए ये हो गया तुम्हारा और अभी अभी देखिए ये अंदर से कैसा दिखता है गुड और जो बचे हुए जो हमारे यूनिट्स हैं वो भी आपको बिल्कुल वहां स्टेपल करना है और अल्टीमेटली आपको जो बन जाएगा सो दिस दसी जैसे ओके okay. बन गया तुम्हारा आईकॉसन और ये जो है ना नीचे भी फ्लैप हमने लगा दिया लेकिन वो आप निकाल भी सकते हैं यदि आपको बल्ब छोड़ने से पहले उसे खेलो उनके साथ पहला और बाद में देखिए ये जो है आपको एक फ्लैप निकाल के आपको यू कैन इंसर्ट द बल्ब बल्ब अंदर छोड़ दो देखिए ये और यहां टैसल्स जो है आपको लगाना है ग्लू से थोड़ा सा ड्राई होने के लिए टाइम दे दो उसे और ये तुम्हारा लैंटर्न जो आइकोसो है हमारा जो है प्लेटॉनिक सॉलिड है वो बन गया अभी बस अभी वेरी गुड अभी ये ऐसे सभी साइड से अब यदि आप ये, ये लगाओगे तो नाइट में बहुत अच्छा लगेगा ये इसके अंदर यदि लाइट हो तो बहुत अच्छा लगता है सो दिस इज अ वेरी नाइस प्लेटॉनिक सॉलिड दिस इज आवर जो फिफ्थ प्लेटॉनिक सॉलिड है अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखिए उसके अंदर यदि आप बल्ब छोड़ोगे तो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस और ये देखिए ये तो प्लैटोनिक सॉलिड से लैंटन है ये सभी जो लैंटन हमने बना दिए प्लैटोनिक सॉलिड से अभी तक लेकिन मैं आपको बोलता हूं बाहर जब मार्केट में देखोगे तो अलग अलग सेप्स है और ये मैं आपको दिखाता हूं दिस इज वेरी नाइस इसका भी हम डिटेल जो है ना डिस्क्रिप्शन में या कल हम आपको बना के प्रोसेस बताएंगे कि ये कैसा हम बना सकते लेकिन इफ यू सी केयरफुली एक दो तीन चार पाँच यदि हम ये जोड़ेंगे कुछ थ्रेड से इस टाइप के थ्रेड से यदि जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा दिस इज योर पेंटेगॉन और इसका लेंथ यदि कुछ अलग अलग आप करोगे ना दिस इज आल्सो पेंटेगॉन बट नॉट रेगुलर वन तो ये अलग अलग सेप के आप लैंटर्न बना सकते हैं अभी मेरे पीछे देखिए ये ये भी यहाँ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंटन अभी मैं जल्दी दिखाता हूँ कि ऐसे दो कैसे बना दिया हमने देखिए दिस इज स्टार लैंटर्न जो है hmm. हाँ, ये जो है कल हम डिटेल उनका प्रोसेस एक दो दिन में वो प्रोसेस डालेंगे लेकिन ये भी घर में बना सकते हो इतना इजी है और एक मैं आपको दिखाता हूं और कभी कभी क्या होता है नॉट नेसेसरी कि प्लेटोनिक सॉलिड है सेंटर में क्यूब है लेकिन चारों फेसेस पे हमने पिरामिड लगा दिए सो दिस इज द वन पिरामिड एक्चुअली तो वो भी जो सेप बनता है वो बहुत अच्छा सेप बन जाता है दिस इज येप और बाद में यदि आप उसके अंदर लाइट छोड़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा सो दिस इज अ नॉट अ प्लेटॉनिक सॉलिड लेकिन उसमें एक प्लेटॉनिक सॉलिड है और बाकी के पिरामिड्स है ये आपको पता चलेगा और एक लास्ट बहुत अच्छा हम एक लैंटन दिखाएंगे कि उसके ऊपर आप संदेश मैसेज लिख सकते हो एंड व्हाट इज दैट मैसेज हैप्पी दिवाली अभी वो हम करेंगे और उसके बाद एक दो इंस्ट्रक्शन दे दूंगा मैं और बाद में हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा लेकिन ये देखो पहला स्पिनिंग उसके ऊपर क्या लिखा है दिवाली देखिए शुभ दीपावली लिखा है लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो देखो बल्ब आपने देखा लेकिन बल्ब के लिए आपको एक ऐसा स्टैंड बनाना होता है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप भी बाद में उसको दिखाता देखिए ऐसा साइकिल का स्पोक बेंड करके ऊपर रिफिल लगा दी हमने रिफिल है ऊपर टिप रिफिल है और वो थोड़ा सा रबर लगा के कर दो और बाद में देखिए दिस इज योर डिस्क और ये जो तुम्हारी डिस्क है ये जो तुम्हारी डिस्क है तो उसको क्या ऐसे फ्लैप बनाना है देखिए और वो फ्लैप जो आपने बना दिए ना तो देखिए अब ऐसे उठाना है वो फ्लैप वो काटना है और ये फ्लैप का जो सेफ है दैट इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो जो इंपॉर्टेंट जो है क्योंकि वहां से गर्म हवा निकलेगी और सेंटर में हमने क्या लगा दिया एक छोटा सा प्रेस बटन जो होता है ना वो लगा दिया देखिए सेंटर में हमने प्रेस बटन लगा दिया देखिए और दूसरा एक ऐसा पेपर ले लो बस वो आपको उसका सिलेंडर बनाना है ग्लू से और वो जो फ्लैप जो हमने वाला जो डिस्क बना दिया था ना वो बस ऊपर चुपकाना है और वो आपको ऊपर चुपकाना है और बस आपको क्या करना है देखिए देखिए वेरी नाइस ऐसा लेकिन वहां गैप नहीं होना चाहिए अच्छा चिपका दो क्योंकि वहां से हवा खाली हमें फ्लैप से आना चाहिए दूसरे साइड से नहीं आना दूसरे जगह से नहीं आना चाहिए तो देखिए ये यदि यदि मैं ऐसा ऊपर रखूंगा यदि ये ऊपर रखूंगा तो क्या होगा देखिए और बिल्कुल वो जो पिहोट है प्रेस जो बटन है उसके अंदर और रिफिल रिफिल का टिप जाना चाहिए और उसे आप अच्छा डेकोरेट कर दो वो बाद में देखिए बहुत अच्छा घूमेगा और आपका जो कुछ संदेश आपको लिखना है आपको फ्रेंड को कुछ गिफ्ट करके देना है तो उसका भी कुछ अलग मैसेज लिख सकते हैं लेकिन ये दिवाली का फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ द लाइट है तो उसके ऊपर हमने लिखा है हैप्पी दिवाली और बस उसे मैं कुछ नहीं कर रहा खाली बटन ऑन करता हूँ और आपका थोड़ा सा कुछ सेकंड आपको रुकना पड़ेगा कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा क्योंकि हवा गर्म हो जाएगी ये फिलामेंट वाला बल्ब है यहां एलईडी बल्ब नहीं चलेगा तुम्हारा तो फिलामेंट वाला पुराना टाइप का बल्ब चलेगा क्योंकि वो नॉट ओनली जैसा क्रिएट द लाइट, ऑल्सो प्रोड्यूस द हीट यहां हमें हीट चाहिए तो नीचे से ठंडी हवा अंदर जाएगी बल्ब के आजू बाजू में जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी वो गर्म हवा लो डेंस की होती है कम डेंसिटी वाली होती है ऊपर से फ्लैप से वो निकल जाएंगी और निकलते समय वो एंगल में निकलेगी और यदि वो एंगल में निकलेगी दैट इज योर एक्शन एक्शन एंड एंड एवरी इज इक्वल रिएक्शन आप देखिए ये फ्लैप से हवा निकल रही है वो गर्म हवा है और वो गर्म हवा की वजह से वो ये, यदि एक डायरेक्शन में निकलेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा लैंप जो है वो घूमेगा और यदि आप थोड़ा इसमें सोचो यदि यह समझ लो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है तो तुम्हारा यदि अपोजिट साइड में घुमाना है तो क्या कर सकते हो देखिए मेरे पीछे जो लग रहा है ना वो हमने नहीं घुमा दिया है चल रहा है वो आपने अब चल रहा है वो उसके अंदर हमने बल्ब लगा दिया है, और क्योंकि फ्लैप का डायरेक्शन क्या है उसके अपोजिट वो घूमेगा सो दिस इज अ वेरी नाइस लैंटर्न दिस इज ओनली डायनेमिक लैंप लैंटर्न नहीं तो मार्केट में आप लाइट वाले बहुत देखते हैं लेकिन पेपर वाला घूमने वाला लैंटर्न नहीं होता लेकिन यू कैन मेक योर होम जस्ट विध हेल्प ऑफ द सिंपल जो कुछ मटेरियल है उससे आप बना सकते हो और ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा लास्टली मैं आपको ये बोलता हूं कि ये मुझे लगता है कि आज के एपिसोड के बाद ये आपके पास जो अभी दस दिन है दिवाली के लिए लेकिन उससे ही पहले आप कुछ ना कुछ आपका खुद का लैम्प बना दो मार्केट no और उसके पीछे जो ज्योमेट्री छुपा होता है वो जो कुछ ज्योमेट्री है वो आप देखो और फैमिली के साथ बना दो ये एक बना दो, दो सभी बना दो यी एंड यूफ यू मेक सपोज सम लैंटन वी आर गिविंग यू द ई मेल एड्रेस आप उसके आपके फोटो भी भेज सकते हो उसका क्लिप भी हम भे, हमें भेज सकते हो नॉट ओनली दिज लैंड कुछ अलग भी लैंड आप बना बना के हमें भेज सकते हो बाद में हम आपको एक ई मेल एड्रेस भी देंगे उसके ऊपर भेज सकते हो तो हम जो मिलेंगे अभी चौदह नवंबर को और चौदह नवंबर इज अ स्पेशल डे दिस इज अ चिल्ड्रन्स डे चौदह नवंबर जो होता है ना उस दिन हम और कुछ आपके लिए नई एक्टिविटी लाएंगे मीन वाइल थैंक यू वेरी मच बट बिफोर क्लोजिंग दिस थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू